आज हमारे साथ गाजियाबाद के मोदी नगर की विधायक मंजू जी हैं, जो एक डॉक्टर भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये 32 साल में पहली महिला हैं जो विधायक बनी हैं। क्या बात सही है मैम? हाँ बिल्कुल, विमला सिंह और सोलंकी थी पहले, विमला जी। अच्छा, विमला जी की बात, फिर आप 32 साल बाद गाजियाबाद में कोई महिला विधायक बनी हैं। कैसे राजनीति में आना हुआ? क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, जहां तक मुझे पता है आपके फादर जो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आपकी मॉम जो थी वो टीचर थी, तो आप कैसे राजनीति में आ गए? नहीं, मैं तो देखिए अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही थी, अपने हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट की तरह से काम करती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड काफ़ी पॉलिटिकल हैं और वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, और मुझे भी लगा कि अगर ये चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन समहाउ जो पॉलिटिकल प्रेशर में, या कह दीजिए कैसे भी, सीट महिला करा दी गई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए, अच्छा काम करेंगे, और ऐसे तो सीट बदल दी और ये गड़बड़ बात है। तो मुझे बहुत जोश आया कि नहीं, अगर सीट बदल दी है तो महिला होने के नाते मैं लड़ूंगी चुनाव। तो मैंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा और मैंने बहुत मेहनत करी, हालांकि मैं उसमें जीत नहीं पाई, लेकिन मेरी मेहनत को काफ़ी लोगों ने सराहा, और फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चे का जिला गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष बना दिया था। तो उसके बाद से मैं लगातार काम कर रही हूँ। आपके हस्बैंड से एक चीज हमें याद आती है आपके बारे में। आई थिंक सो आपकी लव मैरिज हुई है, इफ आई नॉट रॉन्ग। नहीं, हम इंटर 7 क्लास में ना हम दोनों। साथ में हाँ क्लासमेट थे, सो वहीं से मुलाकात हुई और वहीं से फिर शादी हो गई। और आप हाँ लोग, बिल्कुल और दोनों के दोनों डॉक्टर हैं और दोनों पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। आपके विरोधियों का कहना है कि आप बहुत ही ज्यादा अटेंशन सीकर हैं, आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहना चाहती हैं, जिसकी वजह से आप अक्सर, जैसे कहा जाता है कि आप, एक ऐसा भी दिन था जब आप बस स्टॉप पे खड़े होके बीजेपी ज्वाइन करने के लिए लोगों का आप आग्रह कर रही बिल्कुल थी, तो बिल्कुल। अटेंशन सीक करने के लिए आपके टॉप बॉस जो हैं उनके आपको टिकट मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बींग अ डॉक्टर, जब तक मैं LLR मेडिकल कॉलेज में थी, वहां मैंने शिद्दत से काम करा, फिर मैं सेंट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली चली गई, तो मैंने उस हॉस्पिटल के लिए काम करा, फिर मैं मोदी आई हॉस्पिटल आई, तो वहां भी मैंने डे एंड नाइट काम करा, और जब मैंने अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में आई तो भी मैं डे एंड नाइट काम करती थी। तो हम लोगों का तरीका जो है, यह है कि जो चीज हम ज्वाइन करते हैं उसके लिए बिल्कुल 100% हम देते हैं। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं आ गई और एक शोपीस बन के मैं चेयर पे बैठ गई हूँ और मैं तो बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ और मैं तो सड़क पे नहीं खड़ी हूँ। नहीं, मेरा जॉब प्रोफाइल जो था वो ये अलाउ नहीं करता था कि मैं बंद कमरे में रहूँ। वो ये था कि भाई, मैं पॉलिटिकल फील्ड में आ गई हूँ तो मैं लोगों से मिलूँ। अगर मेरे पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, बताइए, महिला सड़क पे कैसे खड़ी होगी जब तक कि मैं नहीं खड़ी होंगी? अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरे कार्यकर्ता BCO मेरे साथ खड़े होने को तैयार रहेंगे, लेकिन अगर मैं नहीं खड़ी होंगी तो एक महिला GT रोड पे टेबल लगा के नहीं खड़ी होगी। सो एक तरह से आप लीड बाय एग्जांपल थे। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहती थी कि जब मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं सड़क के ऊपर बैठ सकती हूँ, धरना दे सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं दे सकते? और मुझे बहुत इस बात का, मेरे को खुशी होती है, सौभाग्य भी है मेरा, कि बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और वो मेरे साथ चलती हैं, जैसे मैं करती हूँ वैसे करती हैं, मुझे फॉलो भी करती हैं और मेरे साथ कॉपरेट भी करती हैं। लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि फिर आपको टिकट मिल गया और आप फिर विधायक बन गए। आपने दो सिटिंग MLA को हराया था उस वक्त, हाँ और बिल्कुल आपके जो वोट परसेंटेज थे मोर देन 50% थे। बिल्कुल, 51%। सो ये मोदी लहर था कि ये एक्चुअली आपका काम था? देखिए, मोदी लहर तो थी, आज भी हम चुनाव में जब सोचेंगे तो हम मोदी जी के बारे में जरूर सोचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी, जो वोट परसेंटेज बढ़ी है वो मेरी मेहनत, मुझे लगता है उससे बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि जनता को विश्वास हो गया था 2012 से कि ये यहाँ आएगी, MLA बनेगी, तो ये हमारे लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करेगी। और अभी भी अगर, जैसे आप कह रहे हैं ना, मैं लाइमलाइट में रहना चाहती हूँ, मैं लाइमलाइट में नहीं, लाइमलाइट में तो जनता फील करती है। हम जो काम करते हैं जनता को बताने के लिए, हम उन्हें फेसबुक पे, ट्विटर पे डालते हैं कि जिससे और लोग भी इंस्पायर हो, वैसे काम करें। आप बताइए कि पिछले जो सालों में काम हुए हैं, चाहे लोकसभा बागपत में ले लीजिए, चाहे मोदीनगर विधानसभा में ले लीजिए, क्या ऐसे काम थे कि वो आप उंगलियों पे गिन सकें? ऐसे काम नहीं थे। मैं कम से कम 20 काम तो अपने MP के जानती हूँ कि जो उन्होंने लोकसभा विधानसभा में करे, और मेरी भी जो फाइल्स हैं, जो मेरे कि मोदीनगर आगे बढ़े उसके लिए प्रोग्रेसिव काम हो, जनता के लिए काम हो, मैं उसी दिशा में काम करती हूँ। तो कभी ना कभी मैं आ जाती हूँ, कभी आप जैसे लोग इंटरव्यू ले लेते हैं, कभी मैं समाचार पत्रों में आ जाती हूँ, तो वो एक इत्तफाक की बात है कि अगर हम काम करेंगे तो आएंगे। लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है
कि जो मेरे मन में है मोदी नगर को अच्छा करने के लिए वो मैं काम करूं। लाइमलाइट तो बाद में स्वतः हो जाता है। कहते हैं कि योगी जी भी आपकी बात बड़ी मानते हैं, पूरे का पूरा थाना का तबादला हो गया 132 लोगों का। नहीं, ये क्या मसला था, मतलब जो 132 लोगों का तबादला हुआ, 133 लोग अगर मैं गलत नहीं हूँ। देखो, हम जब से मैं पॉलिटिकल भी नहीं थी तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमारी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग करती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी नहीं करते थे, हम लोग यहाँ पे पूरे शहर के वातावरण अच्छा रहे उसके लिए हमेशा से काम करते रहे। पुलिस को जब भी हमारी मदद की जरूरत है, हमारे हॉस्पिटल 24 घंटे खुले हैं। कोई ये नहीं है कि वो किसी को लेके आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है हम उससे पैसा मांगे या कुछ करें, आइए इलाज कराइए, जब जब जिसकी मर्जी होती है वो पैसा देता है। लेकिन और पुलिस के भी जो और लोग भी होते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, अगर एक्सीडेंट हो गया तो एकदम बलवा होने को रहता है और एकदम ये होता है कि भाई सड़क रोक दो, हम तुरंत उस एक्सीडेंट वाले पेशेंट को देखते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनका हम ट्रीटमेंट जो भी होता है बेस्ट पॉसिबल वो करते हैं, रेफर करना है तो रेफर करते हैं। ऐसे ही गन शॉट है, स्टैब इंजरीज है, वो सारी हमारे हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसमें मैनेज होती है। थाने जो ये हुआ था उसमें देखिए, एक लड़की, मैं महिला हूँ और एक लड़की गायब हो गई, वो कैसे भी गायब हुई, लेकिन वो लड़की अंत में जो है उसका मृत शरीर पाया गया, बहुत ही ब्रूटली उसकी हत्या करी गई थी। तो वो बड़ा एक सेंसिटिव मैटर था, तो उसमें मुझे दिल से बहुत बुरा लगा। मैं 24 घंटे जाके लखनऊ बैठ गई और मैंने DGP ऑफिस और मुख्यमंत्री के ऑफिस सब जगह एक दिन में चार चार छह छह चक्कर लगा के मैंने कहा इंस्पेक्शन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा था कि जो थाने में 6-7 जनों की टीम है उसने ठीक काम नहीं करा। मैंने सिर्फ 6 जनों की शिकायत करी थी, लेकिन उन्होंने, उन्हें इतना गुस्सा आया उन्होंने पूरा थाने बदल दिया। मैंने थाने के लिए नहीं बोला था, ना मैं चाहती कभी थाना बदले। सिर्फ 6-7 जने थे जिन्होंने एक्शन अच्छा नहीं करा था, मैंने उनका कंप्लेन करी थी, लेकिन पता नहीं उनको लगा कि सारे थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पूरा ही बदल। चलिए, ये बात तो अच्छी, कम से कम इससे पुलिस महकमे में या आपके पुलिस थाने में लोगों की बात सुनी जाएगी, नहीं तो उनको लगेगा कि MLA है पीछे जो उनके लिए खड़ा रहेगा या खड़ी रहेंगी। सो 2 साल हो गए योगी गवर्नमेंट के, अगला चुनाव होने जा रहा है 2019 का भी बिल्कुल बच चुका है, आप कितना परिवर्तन ला पाई हैं अभी तक आपके चुनाव क्षेत्र में और कितना फायदा इसे मिलेगा आपके सेटिंग MP जो भी उस पे लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर हम विधानसभा वाइज बोलें कि यूपी में BJP की सरकार आने के बाद क्या अंतर हुए, पहले हमारी केंद्र सरकार कहती कहती थक गई कि आप जो है घर बना लीजिए, आप शौचालय बना लीजिए, आप स्कूलों का स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर दीजिए, आप उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दीजिए, किसने, कोई नहीं सुनी। अभी सोचिए जब पुरानी सपा सरकार थी और उसके बाद से अभी आप अंतर देखिए। मैं तो मेरी सरकार है तारीफ करूंगी करूंगी क्योंकि ऐसा हुआ, लेकिन आप खुद भी डाटा इकट्ठा करेंगे तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग मोर देन 90-95% शौचालय बन चुके। और अकेले शौचालय बनने का ये मतलब नहीं है कि शौचालय बन गए तो महिला को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, उसके पीछे बहुत बड़ा एक आइडिया था WHO का कि अगर शौचालय होंगे तो गांव में जो इन्फेक्शन फैलता है उसमें पोलियो का वायरस भी है, वो नालियों में बच्चों के स्टूल से घूमता रहता है और बहुत सारे बच्चे उस पे रिस्क में आ जाते हैं। ऐसे ही कॉलरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये बीमारियां होती हैं, ये उसकी वजह से होती हैं। तो गांव में एक बच्चा मालनरिश्ड रहता है या फिजिकली कुछ उसको डिसेबिलिटी आ जाती है पोलियो की वजह से, तो उन सबको रोकने के लिए शौचालय बहुत जरूरी था। लेकिन हमारी केंद्र सरकार पैसा खर्च करने के बाद भी राज्य सरकार के साथ ट्यूनिंग नहीं हो पा रही थी, तो वो कर नहीं रहे थे। सोचिए, जनहित का काम था, उसमें कोई सरकार या पार्टी की बात नहीं थी, वो जनहित का काम भी नहीं हुआ। सिमिलरली आप देखिए कि जो गरीबों के घर बनने थे, केंद्र सरकार ने कहा कि हम गरीबों के घर के लिए पैसा देंगे, कुछ राज्य सरकार देगी, पहले टाइम में कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए, हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, लेकिन मेरे यहाँ पतला में, निवाड़ी में कितने लोगों के घर बने, शहर में लोगों को घर अलॉट करने के लिए उनके फॉर्म भराए लिए जा रहे हैं, बहुत सारे और लोगों के भी नगर पंचायत में, गाँव में नाम आए हैं। लेकिन अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है और बहुत ज्यादा घर नहीं है लोगों के पास, तो उधर बहुत फोकस करा जा रहा है। और हमारे पश्चिम में भी जहाँ पे नगर पंचायतों में या गांव में नहीं है या शहरों में नहीं है, तो उनके लिए बड़ी गंभीरता से सोचा जा रहा है, आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे। इसी तरह से उज्ज्वला गैस, प्रधानमंत्री ने उस महिला का सोचा कि जो गांव में रहती है, लकड़ी में खाना बनाती है, बरसात में लकड़ी भीग जाती है, या बेचारी खेती नहीं करती तो लकड़ी भी इधर उधर से लेके आती है, उसको कितनी दिक्कत होती है, उसको उन्होंने फ्री गैस दी। ये मोदी जी और योगी जी के सहयोग से हुई जो फ्री गैस हुई। तो ये सब महिला को, आज ये सोचिए कि ऐसी महिला, मुस्लिम महिला, इन सबको गैस मिल रही है और साथ ही साथ अब साधारण वर्ग को भी गैस मिल रही है, हम कितने बांट के आते हैं। और उसमें जो लाभार्थी हैं, मेरे देखने में अधिकतर लाभार्थी मुस्लिम हैं और SC परिवारों से हैं। और हमारा और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि मुस्लिम परिवार और SC परिवार आगे बढ़े, मुख्य धारा में शामिल हों। ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो कि भाई तुम मुस्लिम हो तुम ऐसी हो, नहीं,
जो गरीब है उसका कोई जाति नहीं, उसको सिर्फ गरीब होने के कारण सुविधा मिलनी चाहिए, और वो मोदी जी ने और योगी जी ने कर दिखाया। सिमिलरली आयुष्मान योजना, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, सर्जरी मेरे यहाँ होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक महिला की किडनी खराब हो गई पथरी की वजह से, उसके पास पैसा नहीं था 20-30 हजार रुपए की वो इलाज करा सके। वो दूसरी पथरी जो किडनी है उसमें भी गड़बड़ होने लगी, उसको इसी बीच में क्या हुआ, एक किडनी डैमेज हो गई, दूसरी किडनी में पथरी आ गई, उसको आयुष्मान का कार्ड मिल गया, अब वो हमारे यहाँ आई। तो सोचिए, एक उसकी किडनी निकली जो खराब हो गई थी, दूसरी किडनी का पथरी निकली, और इत्तफाकन गॉलब्लैडर में स्टोन था तो वो भी निकला। तो उस गरीब महिला से पूछिए कि मोदी जी की और योगी जी की क्या वैल्यू है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या वैल्यू है। वो महिला मरने का इंतजार करती, सोचिए, गरीब होने के कारण, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो गरीब कोई बेचारा ऐसे थोड़ी होता कि उसको बीमारी के उसमें मर जाए इलाज के अभाव में। तो मोदी जी योगी जी हर संभव कोशिश कराए। फिर योगी जी ने नोटिस करा कि कुछ लोग अभी भी छूट गए जो 2011 के कंसेंसस में आए थे, तो उन्होंने अपने राज्य सरकार के माध्यम से भी एक योजना शुरू करी कि जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी हम हेल्थ सर्विसेज दें। और योगी जी ने देखिए महिलाओं के लिए कितना करते हैं, एंटी मजनू स्क्वाड चलाया, महिला कोई भी शिकायत करते गंभीरता से लिया जाता है, 100 नंबर की जो गाड़ियां हैं वो तुरंत पहुंचती हैं, कहीं भी स्कूल में छात्राओं को दिक्कत होती है तुरंत। आप खुद नोटिस करिए कि एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग और ये जो महिलाओं के साथ वो है कितना कम हो गया है, क्योंकि हम सोसाइटी में ये नहीं कह सकते कि क्राइम फ्री हो जाएगी, लेकिन क्राइम का ग्राफ बहुत नीचे गया है। और सबसे बढ़िया बात यह कि थानों चौकी को ये ऑर्डर है कि आप सबकी कंप्लेन लिखेंगे, सबकी एफआईआर लिखिए, ये नहीं है कि ज्यादा हो जाएंगी, लिखिए और उस पर एक्शन करिए। अभी रिसेंटली एक जो हम पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद हमारे जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, स्ट्राइक किया, क्या आपको लगता है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, देखिए, पहली बात, अटैक हुआ उस समय पे क्या एक्शन होना चाहिए था, हमें बहुत गर्व है कि मोदी जी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, इसका कोई इलेक्शन से मतलब नहीं, इलेक्शन होता तो भी और नहीं होता तो भी मोदी जी यही एक्शन करते, और मोदी जी बिल्कुल किनारे हैं। मोदी जी ने अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम सब अपने करते रहे, फौज की जो काम करने की शैली है उनको कि भाई आप खुल के काम करिए, अगर आपको, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए निकले और आपको ये बंदिश हो जाए कि ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तो आप मेरे से इंटरव्यू क्या लोगे, कि आपके ऊपर आपके बॉस की बंदिश है? तो मोदी जी ने कोई बंदिश नहीं रखी है, जो सेना सही समझती है वो बताए अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट एनएसए बताए, और वो देश के हित में जो भी हो वो करें, इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आप देखिए कश्मीर खाली हो गया, कितने कश्मीर में लोगों को भगा दिया गया, मैंने जब मैं सेंट स्टीफन में थी मैंने खुद देखा था कश्मीरी लोगों को जो फ्लाईओवर्स होते हैं उसके नीचे रहते हुए टेंट्स में, किसी ने सोचा उनके लिए, किसी ने सोचा कश्मीर की कंडीशन सुधरे? सब पॉलिटिकल एजेंडे में लगे रहे, मोदी जी सोच रहे हैं कश्मीर की कंडीशन सुधरे। हमारा अभिन्न अंग है, जो इंडिपेंडेंस के टाइम में गलती हुई वो अभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी महिला को, किसी दलित को, किसी फौजी को, किसी जम्मू कश्मीर वाले को सिर्फ वोट नहीं सोचते हैं, वोट और लोग सोचते हैं। हमारी पार्टी उन्हें 130 करोड़ हिंदुस्तानी ही समझती है और वैसा सोच के चलती है, तो उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हमें गर्व है कि मोदी जी ही ऐसी शख्सियत है जो सेना को पूरी छूट दे सकते हैं और हम अपने देश में सिक्योर रह सकते हैं और हमारी सेना सिर उठा के रह सकती है। पर जैसे कुछ विरोधी मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, उनका कहना है कि स्ट्राइक हुआ ही नहीं। विरोधियों को तो कुछ भी बोलना आता है, वो पेट्रियाटिक नहीं है, उनमें कंट्री की फीलिंग नहीं है। हमारी पार्टी का एम है हमारी कंट्री फर्स्ट, पार्टी और फैमिली नेक्स्ट। उन लोगों के लिए पार्टी एंड फैमिली फर्स्ट है, कंट्री तो बहुत कहीं 100 के 99 के बाद नंबर पे आती है। कितने घोटाले कर करके इनको अपने पर्सनल उन्होंने असेट्स बढ़ाए, हमारे बताइए एक भी नेता ने 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा कराओ, वो सारी जो पैसा है सारा घोटालों का पैसा गवर्नमेंट ने जो है लोगों के सेवा में लगाया, लोगों को फैसिलिटीज दी उन चीजों में लगाया, पुल बनाए, सड़कें बनाई, एक्सप्रेस वेज बनाए, उज्ज्वला दी गैस, कहां से गैस आ गई, कोई अरब कंट्री से थोड़ी गैस यहां पे आ गई कि लाइन बिछ गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मन की सोच और मानसिक स्थिति का हुआ है कि हमें गरीब को कैसे ऊपर उठाना है, हमें हम सोचते हैं इंडिया बहुत गंदा है, अमेरिका बहुत साफ है, बड़े बड़े लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं, जो आप सो कॉल्ड लोग कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि एयर स्ट्राइक का सबूत दीजिए। आप सोचिए आदमी युद्ध में तलवार चलाता था कि फोटो खिंचा के सबूत देता था, या गन चलाएगा कि फोटो खिंचाएगा? ये तो सोशल लाइफ में होता है कि आदमी ने जरा सा इतना सा काम करा और व्हाट्सएप और ट्विटर और उस पे कर दिया। फौजी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे फौजी ग्रेट थे, ग्रेट हैं,
लेकिन अब हमारे पॉलिटिशियंस भी उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, अपनी सरकार सपोर्ट दे रही है। और सोचिए राफेल पे इतना हाय हल्ला मच रहा है, आप खुद सोचिए आप कितने इंटरव्यू लेते होंगे, राफेल ये हो गया राफेल, अगर आज हमारे पास राफेल होता ना तो पाकिस्तान की और भी नाक नीची हो गई होती। वो तो हमारा जो मिग से ही उन्होंने इतना कमाल कर दिया, F-16 को भगा दिया, राफेल से तो पता नहीं कहां से कहां तक भगा के आएगा। तो सोचिए और हमारी सेना का मोराल अप होगा उस राफेल को लेके, कितना इन्होंने बवाल कर रखा है कि इंडिया में राफेल आ ना जाए, इंडिया में राफेल आ गया तो इंडिया मजबूत हो जाएगा, परमाणु शक्ति हमें अटल जी ने बनाया, अब राफेल के लिए हल्ला कर रहे हैं कि चीन वहां से मजबूत रहेगा, इधर पाकिस्तान मजबूत रहेगा, इनकी पॉलिटिक्स अच्छी चलती रहेगी। हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए मोदी जी ने कितना कुछ करा, वेस्ट बंगाल को सिक्योर करना चाह रहे हैं पूरा कि वहां पे इन्फिल्ट्रेशन ना हो, वहां के लोग जो है सही से रहें, ऐसा नहीं है कि वहां डिक्टेटरशिप लगे हर जगह, वो ऐसे ही जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का आम आदमी तो खुश है, टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को वो अपनी बोट में भी रखता है, घर पे भी रखता है, होटल भी चलाता है, वो उससे खुश है। लेकिन जो कुछ ये अलगाववादी हैं, उग्रवादी हैं, इनका तो फॉर्म सबकी बाहर इनको रहने की सुविधा है, ये तो यहाँ कुछ गड़बड़ होगी बाहर को चले जाएंगे, जैसे और भी कंट्रीज में आप देखते हैं नेता इलेक्शन लड़ने को आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। दिक्कत तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति बताइए कि बाहर रहता हो, सारे के सारे यहीं रहते हैं, मध्यम वर्गीय इंसान की तरह से रहते हैं, और हर गरीब की मध्यम वर्गीय इंसान की सोचते हैं, साथ ही साथ बड़े लोगों की भी सोचते हैं व्यापार कैसे आए। अभी यूपी गवर्नमेंट में देखिए 4.02 लाख करोड़ का जो हमारा बजट है उसके बिल्कुल समानांतर उतना हमारे वो आए कि हम यहाँ व्यापार करेंगे, सोचिए तो इतना इन्वेस्टमेंट हमारा होगा और हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि सरकार की विचार बदल रहे हैं, सरकार व्यापारी का भी सम्मान कर रही है, सरकार मजदूर का भी सम्मान कर रही है, सरकार किसान के बारे में भी सोच रही है और सैनिक के बारे में भी सोच रही है। सपा और बसपा के गठबंधन से कितना नुकसान होगा बीजेपी का आगामी इलेक्शन में? नुकसान कोई नहीं होने का, कोई नहीं होगा नुकसान। बहुत सारे आज अभी हम मुस्लिम गांवों में भी जाते हैं तो बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं और बहुत सारे मुस्लिम लोग जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो कहते हैं कि जी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। मैं उनकी उनके शब्द की बात बता रही हूँ कि जी सपा सरकार में तो ऐसा होता था कि हमें ये रहता था सपा वाले हमें छुड़ा लेंगे, हमारे लड़के खूब गुंडागर्दी करते थे, अब कम से कम डर तो है कि कानून व्यवस्था है, योगी जी किसी को नहीं बख्शते, अपनी पार्टी वाले को नहीं बख्शते तो और किसी जो उग्रवादी लोग हैं या दंगा फसाद करेंगे तो नहीं बख्शेंगे। हमारे बच्चे जो व्यापार में लगा हुआ है, जो खेल में लगा हुआ है, जो पढ़ाई में लगा हुआ है, तो हमें बड़ा सुकून है कि हम भी अपनी मुख्यधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन हम खुल के नहीं कह रहे क्योंकि उनको बेचारों को डर रहता है कि उनके जो सो कॉल्ड कट्टरवादी नेता है वो आके पता नहीं क्या कह देंगे। सेम एससी लोगों के साथ है, सबसे ज्यादा फायदा गैस है और चीजें सब हमने एससी को दी, तो वो भी कह रहे हैं कि हम वोट देंगे। और वो ये कहता है कि मायावती कोई ऐसे थोड़ी है कि मुट्ठी भर एससी को इधर से इधर कर देगी, मेरी संपत्ति है। आप बता दीजिए मायावती ने किस एससी महिला को आगे बढ़ाया बताइए, आप किस एससी भाई को आगे बढ़ाया बताइए, आप अपने भतीजे को लेकर घूमती है, अपने भाई को लेकर घूमती है। मायावती एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, मध्यम वर्गीय से नीचे भी, आज उनके कितने कितने प्रॉपर्टीज हैं, क्यों है भाई? मेरे से आप पूछिए, मैं आज आपको सारा दे दूंगी, मेरे योगी जी ने मंगाए थे सारे हमारे पेपर्स वहां पे हैं, हर चीज एक नंबर में। हम जरा सी भी गलती करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति वो कर ली अर्जित, कहां से करी? तो वो दलितों की कहां से हुई? अगर वो सारे दलितों को नेता बनाती, उनको इलेक्शन लड़वाती, उनको समाज में आगे बढ़ाती तो हम कहते कि वो बहुत अच्छी हैं। वो तो अपना ही अपना काम कर रही है, अपने अपने स्टैचू खड़े कर रही है वहां पे, जिंदा आदमी को अपने स्टैचू खड़े करता क्या? इतनी इनसिक्योरिटी है उनको, तो वो एक फैमिली और अपने बारे में सोच रही है, देश के बारे में प्रदेश के बारे में कतई नहीं सोच रही। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को कितना लाभ हो सकता है, कुछ फर्क पड़ेगा? कांग्रेस से क्या मतलब, कांग्रेस को लाभ होगा नहीं होगा वो जाने, मेरी पार्टी को लाभ ही लाभ है क्योंकि मेरी पार्टी अच्छी दिशा में काम कर रही है, मोदी जी अच्छा सोच रहे हैं, हमें कोई प्रियंका आए, राहुल आए, सोनिया आए, कोई आए, फला आए, हमें क्या मतलब, ममता आए, वो माया जी आए, वो अपना प्रॉब्लम खुद जाने। हम देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं, हम जनता को ये समझाने में भी सफल हो रहे हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, गंभीरता से काम कर रहे हैं, गरीब की सोच रहे हैं, किसान की सोच रहे हैं, इंडस्ट्रीज की सोच रहे हैं, सबकी सोच रहे हैं, सबको लेके साथ चल रहे हैं। और विकास हमारा मुद्दा है, सफाई हमारा मुद्दा है, धर्मनिरपेक्षता हमारा मुद्दा है, मुसलमान का भी सम्मान रहे, हिंदू का भी सम्मान रहे। मुसलमान का सम्मान है इसका मतलब ये करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू का सम्मान नहीं करना है, क्रिश्चियन का सम्मान नहीं करना है, मुस्लिम भाइयों का सम्मान भी करते हैं, हिंदुओं का भी सम्मान करते हैं, जैन बुद्ध का भी करते हैं, सिखों का भी करते हैं और क्रिश्चियंस का भी करते हैं। सोचिए मेरे शहर में क्रिश्चियंस के लिए हम लोगों ने ग्रेवयार्ड के लिए जमीन अलॉट कराई बीजेपी की सरकार ने, अभी तक लोकदल सपा जो भी इतने मेरे यहाँ मोदी नगर में रहे किसी ने ये नहीं सोचा कि ग्रेवयार्ड होना चाहिए, मेरी सरकार ने कहा
मेरे मंत्री ने बोला कि नहीं, हम आपको ग्रेवयार्ड के लिए जमीन देंगे। हम तो सबकी सोचते हैं, सबके लिए कर रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य में नाहली में देखिए, स्कूल खुलने वाला है, इंटर कॉलेज, सारा अल्पसंख्यक होने के कारण वहाँ डिग्री कॉलेज खुल रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रहा है? और मेरा तो जो डिग्री कॉलेज दूसरा है वो भी फरीदनगर को मिला, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, तो मुस्लिम्स के लिए बहुत हो रहा है, उनकी लड़कियां पढ़े, उनके लड़के पढ़े, मुख्य धारा में आए, तो सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। इस बार कितनी सीट यूपी से? नहीं, मैं कैलकुलेशंस में बिलीव नहीं करती, लेकिन हमारी बहुत अच्छी सीट्स आई। मैं कोई प्रेडिक्शन करें ये करें, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करती। हमें मैक्सिमम काम करना है। अभी भी मेरे गांव के दौरे लगे हुए हैं, मैंने तो शुरू से, जब से ये हुआ कि हाँ अभी इलेक्शन की ये डेट आ गई है, उस दिन से हम लोग ने काम शुरू कर दिया, अपनी घूमना शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, जो पॉलिटिकल मूवमेंट हमारे होते हैं, तो जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो और बाद में हबड़ा तबड़ी ना रहे, तो हम लोग घूम रहे हैं। हम अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, जो सीट आएंगी पहले से अच्छी ही आएंगी, ये मुझे पूरा